जय हो जय हो। ये केसी घाट पे है जी, देखो यमुना मैया जहाँ आरती होती थी और आज वहाँ तक सीढ़ियाँ तक डूबी हुई है केसी घाट की। सच में मन गदगद हो गया जी। जय हो जय हो। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। आज मैं आपको लाया हूँ वृंदावन में यमुना मैया के किनारे पर। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा माँ का विराट स्वरूप बहुत कम देखने में मिलता है। अक्सर यमुना मैया सुखड़ सी गई हैं, वक्त के साथ पानी कम होता गया, लेकिन इन दिनों यमुना मैया लब लब पानी की धारा के साथ भरकर बह रही है। तो बिगड़ समय गवाए मैं आपको यमुना इस माँ यमुना मैया के स्वरूप के दर्शन कराता हूँ। जो भी भक्ति मार्ग में दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास का इस यूट्यूब चैनल को श्री हरि का दास दीपक उसका रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। तो आइए यमुना महारानी के दर्शन कीजिए और शेयर जरूर कर देना ताकि हर कोई माँ का ये सुंदर स्वरूप देख सके। जय हो यमुना महारानी की। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य देव का यमुना महीना में एक स्वरूप दिख रहा रोशनी का। देखो यमुना मैया कैसे शांत भाव से देखो कितनी भर के बह रही है। देखो पानी ऐसा अक्सर बहुत कम दिखाई देता है, बारिशों में होता है या लॉकडाउन में तो इतना पवित्र हो गया था कि नीचे तक का साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। देखिए कैसे यमुना मैया चल रही है और इसके अंदर देखो हर नौका विहार कर रहे हैं, एक बोट चल रही है ये देखिए, और यहाँ पर लाइन से सब बोट ही बोट खड़ी हुई हैं। कितनी सारी बोटें खड़ी हुई हैं, इतना सुंदर स्वरूप लग रहा, मन प्रसन्न हो गया जी। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। यहाँ से लाइन से बोटें हैं और अभी शाम को सब यहाँ पे आ ही जाएंगे भक्तजन, फिर सब बोटिंग करेंगे। तो आप ये देखिए, मैं आपको और जगह से भी यमुना मैया का रूप दिखाऊंगा, तो आप देखते चलिए माँ का ये रूप देखिए कितना सुंदर और कैसे सूर्य की रोशनी के साथ यमुना मैया का ये चल रहा है भाव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन भावन, मन प्रसन्न हो गया जी, मन प्रसन्न हो गया। कितना सुंदर, कितना मन भावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो आइए आपको और जगह से भी यमुना मैया के दर्शन कराता हूँ मैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने केसी घाट है और यहाँ भी देखिए इसी केसी घाट के इसी रास्ते से नीचे होके लोग परिक्रमा करने आते थे, लेकिन अब ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि सारे घाट यमुना मैया में डूब चुके हैं। यमुना मैया इतने विराट रूप में इस समय यहाँ बह रही है वृंदावन में। कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य देखिए, कितना सुंदर, बहुत ही मनभावन। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कि सारे घाट पानी में समाहित हो चुके, डूब चुके हैं। केसी घाट पे भी आरती ऊपर से ही होती है, उनके आंगन से प्रांगण से ही हो रही है। इतना सुंदर दृश्य यमुना मैया, बहुत कम ऐसा विकराल रूप माँ का दिखता है, लेकिन शांत भाव से बह रही है। जैसे हरिद्वार में जाए तो खलखल की आवाज़ आती है ना, हरिद्वार का एक गंगा मैया की बहुत खलखल की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन लहरें बड़े शांत भाव से प्रेम रस धारा बहाती हुई बह रही हैं। यमुना मैया श्री हरि पटरानी यमुना महारानी माँ कालंदी, क्या बात है, कुंज गली में राधे राधे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, कितना मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, मन भावन। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया जी। छोटा सा ही वीडियो है, हो सके तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर कोई यमुना मैया के इतने सुंदर रूप के दर्शन कर सके। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। जहाँ देखो देखो सब नौका विहार हो रहा, दूर दूर तक देखो नौका विहार चल रहा है, देखो दूर दूर तक नौकाएँ चल रही हैं और इस समय नौका चलाने का मजा लगा रहा है, दो नौका उधर है। और देखो वो जो घाट सामने दिख रहे हैं कितने पास होते, सब दूर चलेगा, सब दूर चलेगा क्योंकि पानी बहुत भर चुका है। जय हो यमुना महारानी की। चलिए मैंने आपको आज हरी भरी यमुना मैया जो कभी साल में बारिश के दिनों में भरती हैं, ऐसे अपने सुंदर रूप में आती है, पूर्ण रूप में आते हैं, पूर्ण रूप में है यमुना मैया, मतलब पूर्ण रूप में आपको हमें दर्शन दे रही है, हमारा उद्धार कर रही है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, यमुना महारानी के दर्शन कैसे लगे जरूर बताइएगा। तो मित्रों मैंने आपको यमुना महारानी के बहुत सुंदर दर्शन कराने की कोशिश करी, बहुत विराट रूप में पूरे अपना आकार में फैलती हुई यमुना महारानी शांत भाव में प्रेम की रसधारा बहाते हुए बह रही है। हम भक्तों का उद्धार करते हैं, जो भी यमुना मैया में डुबकी लगाता है तो मेरे पास शब्द नहीं है, ना जाने कितने पापों से मुक्ति पाता है। और एक बात बता दूँ, यमुना में वृंदावन जब भी आओ यमुना जी के किनारे शाम को दीपदान किया करो, और दीपदान का प्रोसीजर दीप जलाकर बहाना नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं, दीप जलाकर साइड में रखना होता है, जो कि कार्तिक मास में दीपदान की महिमा ज़्यादा होती है। तो मित्रों
यमुना मैया से, यमुना मैया के किनारे से, वृंदावन धाम से दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, दास के साथ जुड़े रहने के लिए, दास के चैनल को जो पहली बार सुन रहा है अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे चकाचक मेरे साथ ऐसी अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में झूमते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, जय हो यमुना महारानी की, श्री हरि पटरानी की।